तो इसलिए देवी हमारा उसी तरह से सत्कार कीजिए
और आप हमें यही भिक्षा ला कर दीजिए। आपको अंदर ही आना होगा। देवी आप अपमान कर रही हो एक साधु का, साधु का अपमान कर रही हो। एक मेरी बात सुनो देवी, क्या पता आपका दिमाग विचार बदल जाए। मेरे भूख से निकले जाए सुनरी प्राण प्राण प्राण, मेरे भूख से। आपके द्वारे पर एक साधु भूखा और प्यासा बैठा है और आप हो कि आप साधु सेवा संत सेवा नहीं कर रही है, कोई बात नहीं, हम भूखे चले जाते हैं, फिर आपको ही पाप लगेगा, देख लेना। हम त्रिकालदर्शी है, भूत भविष्य वर्तमान सभी देख सक रहे हैं, हमें पता है देवी, हमें पता है। फिर ये मत कहना कि साधु ने मुझे सचेत नहीं किया, मुझे सारा पता है, मुझे सारा पता है कि तेरा पति तेरे कहने पर स्वर्ण मृग के पीछे गया है, तुम्हारी इच्छा के अनुसार उसको लाने मारकर लाने के लिए उसके मृग छाल लेने के लिए गया, और इतना ही नहीं उस मृग ने अपने सींगों से एक बार उनको आहत कर दिया है। और अगर अभी भी तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो मैं अभी श्राप देता हूं कि वो हिरण अपने तेज सींगों से नहीं तेरे स्वामी का तेरे पति का उधर ही वध कर देगा। इसलिए अगर शाप से बचना चाहती है तो बाहर आकर भिक्षा दीजिए, मैं बंदी भिक्षा नहीं लेता। आइए इधर ही आ जाइए। नहीं, मैं आकर बाहर ही भिक्षा दे दूंगी। ऐसे तो बुलवा देंगे एक बार। सीते पहचान मुझे, पहचान सीते, सीते और आज वो समय आ गया है। सीते पहचान मुझे, मैं वही लंकेश्वर हूं जिसके इशारों पर नवग्रह धनवा देवता कुबेर और तो और वृक्षों में पत्ते भी गिर जाते हैं जिसकी दहाड़ से। पहचान मुझे सीते, मैं वही लंकेश हूं, अभी मैं देखो उसी रूप के दर्शन कराता हूं। एक मुझे पहचान मुझे, मैं वही लंकापति रावण हूं जिसने भरी सभा में प्रतिज्ञा की थी, वचन दिया था कि जो कोई शिव के धनुष को तोड़ देगा सीता को फिर भी लंका अवश्य दिखाता। अब वो शुभ खड़ी जा रही है लंके, लंकेश्वर चल कर आए हैं। देखा, ये भी विधाता का बड़ा निराला खेल है। हाँ, रावण पूरे चराचर का स्वामी, पूरे ब्रह्मांड का स्वामी, और आप पूरे चराचर पर सबसे सुंदर सुलक्षणाधारी, हाँ, विधाता का भी खेल ले रहा है। देखो कहां से कहां पहुंचा दिया रावण को। रावण तो उससे भी धनुष तोड़ देता अगर देवताओं की चाल ना होती, अगर हमारे और आपके बीच में वो वापस बड़ी ना होती। सीते अब वो शुभ घड़ी आ गई है जब आप रावण के सोने की लंका की रानी बनोगे, महारानी बनोगे। अरे सीधे आप अधिक चिंता मत करो, राम भी मेरा अगला निशाना होगा। अरे छोड़ छोड़ जंगल का चक्कर, अब तो
मेरा अगला ठिकाना होगा। रावण ने जबरदस्ती जानकी जी को रथ पर अपने जहाज में बिठा दिया और वो जाने लगा तो नाना प्रकार से विलाप कर रही थी जानकी जी, हाय लक्ष्मण, हाय राम, हाय लक्ष्मण। तो दिन रात जटायु ने उसकी हर कहानी सुनी और वो वहां पर पहुंचता है। रावण के सामने अच्छे अच्छों की जुबान बंद हो जाती है। राधेश्याम